हेलो, यू आर वॉचिंग फिल्म ऑफ थॉट्स। किसी बेहद महान और समझदार इंसान ने यह बात कही थी कि अगर आपको पता हो कि अच्छी फिल्में कैसे बनाई जाती है तो कोई भी बुरी फिल्में नहीं बनाएगा। कुछ ऐसा ही किरदारों के साथ भी है। जब हम एक किरदार को तैयार करते हैं, कोशिश तो यही रहती है कि मैं अच्छा किरदार तैयार कर सकूं, पर हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। और कई बार आप उसका अंदाजा भी इस बात से नहीं लगा सकते कि ये किरदार अभी अच्छा है या बाद में जाकर अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही किरदार शोले में गब्बर सिंह का था। ऐसे और भी कई किरदार आते रहे हैं जो उस समय के हिसाब से शायद बहुत आगे होते हैं। ऐसा ही एक किरदार है विराज डोबरियाल का। ये सीरियल दिल से निकली दुआ, सौभाग्यवती भवा, इस सीरियल में विराज डोबरियाल नाम का जो किरदार है वो उस समय बहुत ज्यादा हेटेड किरदार बन गया था, लेकिन अब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि वो उस समय के हिसाब से बहुत कूल था, शायद लोगों को उसको डाइजेस्ट करने में या उसको एक्सेप्ट करने में काफी तकलीफ हुई हो, पर आज के हिसाब से उस किरदार को जितना अप्रिशिएट किया जाता है उतना शायद ही किसी और डेली सोप के किरदार को किया जाता हो। तो उसी के बारे में हम आज बातचीत रखेंगे, क्योंकि उसका सेकेंड सीजन आने वाला है बहुत जल्द, और वहां पे फिर से हमें विराज डोबरियाल देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और क्या नया देखने को मिलेगा उस बारे में भी बातचीत होगी, लेकिन पहले बात करते हैं कि अभी तक हमने उसमें क्या देखा है और उस किरदार की क्या क्या खासियत है। तो उत्कर्ष, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? सो टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ ये तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो करेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है एंड एट द सेम टाइम इतना क्लियर है अबाउट वॉट ही डज। क्योंकि आप कभी भी कोई सेडिस करेक्टर देखेंगे ना, तो लोग कहते हैं करेक्टर खराब है, ये ऐसा है वैसा है, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अ नेगेटिव लीड, राइट? क्योंकि वो तो हर कोई प्ले करना चाहता है ना, कि आप कि हीरो तो हर कोई प्ले करना चाहता है, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी लव्ड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी हेटेड, एंड वो भी कि ढंग से आपको लोग हेट करें, कि मतलब 10 में से 11 लोग बोले भाई कितनी खराब चीज देख ली, राइट? तो आई थिंक कपिल शर्मा के शो पे एक बार शक्ति कपूर और कुछ बहुत मतलब प्रसिद्ध एक्टर अपने टाइम के, जिन्होंने बहुत सारे नेगेटिव रोल्स प्ले करे हैं, आए थे एंड दे टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल। कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक प्राण नाम के एक एक्टर थे, वो बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड थे अपने टाइम में। तो वो जब वो अभी भी होंगे, तो जब वो मतलब बोलते थे कि वो जाते थे एयरपोर्ट से, तो एक्चुअली व्हेन पीपल यूज टू सी देम, तो वो एक्चुअली दे स्टार्ट टू शिवर कि भैया ये क्या देख, मतलब ही इज अ विलन एंड ऑल दैट। कह रहे उनको ये नहीं पता था दैट वी आर एक्टर्स, वी आर पोर्ट्रेइंग दैट कैरेक्टर, वी आर नॉट दैट कैरेक्टर। तो पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस, है ना? अब आप मूवीज में जाके लोग एक्शन देखते हैं कि हीरो जा रहा है, काट रहा है, पीट रहा है लोगों के साथ, मतलब जो भी कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली ही इज डूइंग इट फॉर द बेटर ऑफ सोसाइटी, बट कहीं ना कहीं पीपल गेट अ किक आउट ऑफ इट कि यार क्या हो रहा है। बट इन जनरल ऐसा नहीं होता ना कि आपकी किसी से कुछ अनबन हो गया, आप जाके 10 बंदे पीट रहे हो, गोलियां चला रहे हो, ऐसा नहीं होता, राइट? तो इट इज फॉर सिनेमैटिक प्लेजर। इन सिमिलर फैशन वो भी जो है प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर इज ऑल्सो फॉर सिनेमैटिक प्लेजर। मतलब वो डिपेंड करता है ऑन द पर्सन, दैट कोई इंसान हो सकता है जो वाक्यों में लिटरली उस कैरेक्टर से रेजोनेट कर पा रहा हो, वो खुश हो रहा हो देख के, या कोई बंदा हो सकता है जो एक्चुअली डिस्पाइज कर रहा हो, राइट? बट कभी भी कोई भी जो ऐसा शो बनाता है जिसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर की प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा होती है, वो कभी भी इस बात को हाईलाइट नहीं करता, इस बात को एडवर्टाइज नहीं करता, टू बी दिस इज अ बेटर वर्ड, एडवर्टाइज नहीं करता कि भाई आप ऐसे करेक्टर को फॉलो करें, राइट? वो आपकी चॉइस है, राइट? आप सिनेमा की बात कर लीजिए, टीवी की बात कर लीजिए, वेब सीरीज की बात कर लीजिए, या फिर इन जनरल यूट्यूब की भी बात कर लीजिए। ऑल्दो यूट्यूब मुझे नहीं लगता कि इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटिक प्रिसीजन पे कहीं पे भी लाया करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आज की डेट में भी लाइक गेटिंग इनटू सिनेमा एंड इनटू टीवी इज हाइपर कॉम्पिटेटिव, बट कहीं ना कहीं वहां पे भी इन चीजों पे फोकस किया जाता है कि मतलब इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हाट वी सी ऑन टेलीविजन, राइट? तो इन सम फॉर्म और द अदर, तो जो एक डायरेक्टर है, जो बेसिकली क्रिएटर्स ऑफ द शो है, उनका जो मेन पॉइंट है वो आपको दिखाना है हर चीज जो पॉसिबल हो सकती है, अगर आप एक रियलिस्ट के पॉइंट से देखें तो, राइट? मतलब उस ऑब्वियसली देयर आर सर्टन एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन इन टू सच शोज एंड ऑल, बट अगेन फॉर सिनेमेटिक प्लेजर या आप उसे जो भी बोलें, राइट? तो मुझे उसका करेक्टर काफी इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि उसमें उसकी शेड्स दिखाएंगे, राइट? कि मतलब कहीं ना कहीं उसका मतलब कह सकते हो पास्ट ट्रॉमा कह लिया जाए,
या फिर उसको सोसाइटी से एक्सेप्टेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, वो हमेशा ऑस्ट्रसाइज रहा सोसाइटी से. सो ड्यू टू दैट ही हैज यू नो ही हैज डेवलप दिस सेडिज्म, या जो भी उसे ओसीपीडी वट एवर द थिंग दैट ही हैज द प्रॉब्लम ही हैज. तो उसी के चलते वो सोचता है कि व्हेन लाइक आई कांट गेट लव फ्रॉम समवन बट आई कैन फोर्स लव आउट ऑफ समवन, उनको मतलब यू नो दबा के टॉर्चर करके या जो भी चीजें करके. तो इसी वजह से मुझे वो करेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब ऑल्दो ऑब्वियसली ही इज नॉट अ गुड करेक्टर, ही डज प्रीटी बैड थिंग्स, बट एट द सेम टाइम उसका मतलब सॉफ्ट साइड भी दिखाई गई है कि यू नो देर आर टाइम्स दैट ही फील्स लोनली, देर आर टाइम्स ही फील्स दैट ही हैज नो वन टू टॉक टू एंड ऑल दोज अदर थिंग्स. सो मुझे लगता है कि जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो यू नो मतलब ऐसे जो शोज होते हैं दे नॉट ओनली एंटरटेन बट एजुकेट एजुकेट अस ऑल्सो, राइट? कि कहीं ना कहीं यू नो लाइक काफी सारे विराट डोबरियाल हो सकते हैं इन सोसाइटी. तो मुझे तो वो शो काफी ही मतलब अगर मैं सिर्फ उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज इट्स नॉट इजी राइटिंग अ यू नो अ नेगेटिव कैरेक्टर लाइक इतने अच्छे से, और ऊपर से फिर उसका जो पोर्ट्रेयल करणवीर भोरा ने करा है तो वो भी काफी रियलिस्टिक है, लाइक यू नो कि बहुत ही ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर. ऑल्दो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग यू नो एज ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, किसी का किसी को समझ आता है किसी को नहीं आता, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. बट कहीं ना कहीं से एक साइको का दिखाई, खुद ही बोल रहा है खुद ही हंस रहा है, डूइंग थिंग्स आउट ऑफ द ब्लू. तो अब उसका जैसे सेकेंड सीजन आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इतनी हाइप बढ़ गई है, पर मुझे लग रहा है ना कहीं कि अगर आप जैसे आप एक हुक बनाते हो, आप चीजों को वेट करते हो, बहुत चीजें होती हैं, तो वो बेटर रहता है आगे के लिए. तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब अब आई डोंट नो, अब मतलब वो एक जमाना था, आज का एक जमाना, तो आज वो चीजें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, बट आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे कि सिनेमा का रिवाइवल हुआ है, लोग कह रहे थे लॉकडाउन में कि यू नो सिनेमा इज डाइंग एंड ऑल दैट, मुझे लगता है कि टीवी शोज का भी होगा, क्योंकि काफी सारी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आज भी लोग टेलीविजन को दबा के देखते हैं, बल्कि इवन इन टीयर 1 सिटीज एज वेल, क्योंकि एक उनका एक वो होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि एक आपको वेट करना पड़ता है, तो देर इज अ सस्पेंस, एक वो होता है ना कि आपको मन करता है देखने का. आजकल इंटरनेट पे तो आप स्क्रोल करते रहो, यू कैन जस्ट गो ऑन अ बिंजिंग स्प्री एंड फील कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये. बात काफी हद तक सही है, और मेरा ये मानना है कि जैसा करेक्टर की बात जो हो रही है उसके बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि एक एक्टर का काम है एक्टिंग करना, एक राइटर का काम है लिखना. अब बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं भाई आप बहुत डिप्रेसिंग लिखते हो, ठीक है आप बहुत डिप्रेस्ड हो लाइफ में. भाई जो हम लिखते हैं वो हमारी रियल लाइफ नहीं होती, मेरा काम है लिखना, मैं अच्छा भी लिखता हूँ बुरा भी लिखता हूँ, आप तक क्या चीज पहुंचती है वो डिपेंड करता है. और दूसरा हो सकता है कि मैं हमेशा बुरा ही लिखता हूँ, हमेशा डिप्रेसिंग लिखता हूँ, लेकिन वो मैं इंटरनली हूँ या नहीं हूँ वो कम्प्लीटली उस बात से रिलेट कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब इंसान अलग अलग होते हैं और सब अपनी रियल लाइफ में अलग हो सकते हैं और अपनी एक जो पर्सनैलिटी जो उसका काम है उसमें अलग हो सकते हैं. जैसे कि एक्टर का काम है एक्ट करना, है ना? तो आप जब देखते हैं एक किरदार को, जैसे आपने उत्कर्ष ने अभी बोला कि बहुत सारे ऐसे विलन्स रहे हैं उस टाइम पे कि जो हमेशा हर मूवी में विलन बन के आ रहे हैं, तो रियल लाइफ में वो विलन नहीं है, है ना? आपको ये बात समझनी होगी कि वो इंसान अपनी लाइफ में अच्छा हो सकता है ना? तो आप उस चीज को मान के चलिए कि वो बुरा तो नहीं है अपनी लाइफ में जितना वो फिल्मों में दिखाया जा रहा है. तो अब विराज डोबरियाल का जो करेक्टर है उसके साथ लोग आजकल बहुत रिलेट करने लगे, बहुत सिग्मा विग्मा करके दिखा रहे, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है? आप उसको सिग्मा बनाइए कुछ बनाइए, वो आपकी दिक्कत है. वो किरदार नेगेटिव उस शेड में दिखाया गया था, उसको नेगेटिवली उसका पोर्ट्रेल भी नेगेटिव है और उसके कर्मों की सजा उसको लास्ट में मिलती है. ही वॉज पनिश्ड एट द एंड, है ना? तो वो वहां पे खत्म हुआ था जब उसको सजा मिली थी उस चीज की. तो आप अगर उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो आपका इशू है, क्योंकि सिनेमा का काम है आपको एंटरटेन करना. अब जैसे उत्कर्ष ने बोला कि उसमें कुछ एजुकेशन वाला पोर्शन है, तो अच्छी चीजें तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, नाटक से सीख सकते हैं, फिल्मों से सीख सकते हैं, कहीं से सीख सकते हैं. एक डेली सोप भी, जैसे उत्कर्ष ने बोला कि वहां पे कुछ अच्छी चीजें थी, तो वहां पे आप उससे डेली सोप से सीख सकते हो. लेकिन अगर कोई नेगेटिवली देखना चाह रहा है और वो बाद में जाके उसके जो क्रिएटर्स है उनको ब्लेम कर रहा है कि नहीं भाई आपने वो चीज दिखाई दी या हमने वो चीज उससे उससे एब्जॉर्ब करी, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या एब्जॉर्ब करते हो, है ना? और ये बात किसी एक बहुत बड़े राइटर ने बोली भी है कि मैं क्या लिखता हूँ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है, आप जैसे मर्जी उसको पढ़िए, अच्छे में पढ़ते हैं अच्छे में पढ़िए, बुरे में पढ़ते हैं बुरे में पढ़िए, या बुरे में देखते हैं बुरे में देखिए. तो मेरे को लगता है जो करेक्टर था विराज रोबरियाल का वो शुरुआत से ही नेगेटिव रहा है,
और उसकी नेगेटिव शेड ही दिखाई गई है थ्रू आउट। वो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि नहीं वो इंसान बहुत उसमें बदलाव आ गया एकदम, वो बदलाव की चिंगारी चलने लगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ पूरे शो में। और उनका काम भी था कि एक विलन को विलन के तौर पर दिखाया जाए, जो कि अच्छी बात है, वरना बहुत ज्यादा सिंपथी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बहुत सारी फिल्मों में, विलन जो ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली विलन्स होते हैं या एंटेगनिस्ट होते हैं, उनके साथ सिंपथी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करी गई। मेरे को ये चीज पसंद आई पर्सनली, क्योंकि एक विलन को विलन के तौर पर देखना अच्छा लगता है। अब वो आप उससे कितना उसको अपने साथ रिलेट कर रहे हैं वो आपकी गलती है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक हीरो वो अच्छा हीरो है जो एक फिल्म के अंदर की बात करो, एक सीरीज वेब सीरीज सीरियल किसी की बात करो, एक अच्छा हीरो वो है जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाए, जिसको आप अपने आप में देख पाए या जिससे आप प्यार करने लगे, वो एक अच्छे हीरो की एक्टिंग है। एक विलन वो होना चाहिए जिससे आपको नफरत होने लगे, आप बोले यार ये कितना गंदा आदमी है, इसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए, विलन के ऊपर आपको देख के लगना चाहिए यार ऐसे इंसान से डर लग रहा है या ऐसे इंसान से मेरे को नफरत हो गई है ना, तो वो आपका फील होना चाहिए। और सेम ऐसा विराज डोबरियाल के करेक्टर के साथ मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने फील किया भी कि यार इससे तो नफरत हो रही है, कैसा इंसान है, कितना घटिया इंसान है, तो वो किरदार वहां पे सक्सेसफुल हो गया, उसने अपना काम इतनी बेहतरीन तरीके से किया, यकीन मानिए कि आज 10 साल बाद भी आप उस किरदार को याद रखते हैं। और ये तो काफी बहुत अभी नया नया अनाउंसमेंट हुआ है कि उसका सेकंड सीजन आ रहा है, वरना लोगों को पता भी नहीं था और लोगों को भूल जाना चाहिए था उस किरदार को, लेकिन वो उस तरीके से उसका पोर्ट्रेल किया है करणवीर बोहरा ने कि लोग उससे आज भी उतना रिलेट कर पा रहे हैं, उससे उतना कनेक्ट कर पा रहे हैं कि यार ऐसे लोग होते हैं और कितने खतरनाक होते हैं। वो एक काइंड ऑफ फियर उसने क्रिएट कर दिया, काइंड ऑफ उसने कल्ट बना दिया उस किरदार को। तो आज भी करणवीर बोहरा का अगर सबसे आप हाईलाइट देखेंगे करियर की तो वही सीरियल है मेरे हिसाब से। उन्होंने बिग बॉस भी किया बाद में और बाकी चीजें भी करी, लेकिन अगर हाईलाइट है उनके करियर की तो वो सीरियल है जहाँ पे उन्होंने विलन का रोल प्ले किया और इतने बखूबी प्ले किया कि उसको आज भी लोग याद करते हैं और उसका एंजॉय करते हैं उसको, कि हाँ भाई उस आदमी ने क्या एक्टिंग करी है उसमें। तो वही है कि आप एक्टिंग को एक्टिंग की तरह लीजिए, है ना, किसी को गाली लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इतने वैसे गंदे इंसान है, इंसान है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका काम था एक्टिंग करना, उन्होंने कर दी है, अब एक्टिंग आपको कैसी लगी उस पर आपका फोकस होना चाहिए। वो तो पुराने जमाने की चीजें मत करिए, अब तो राइट। इतना एक्सेसिबल हो गए मुझे सेलिब्रिटीज। मुझे ये भी लगता है ना कि आजकल जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आजकल विलेन्स इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, पुराने टाइम में उन्हें उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, आज क्यों हो रहा है। तो कई लोग इसको ऑब्वियसली इसमें दो ही अल्टरनेटिव्स निकलते हैं। एक तो लोग सोचते हैं कि नहीं, सोसाइटी ज्यादा खराब हो रही है, ज्यादा ही हम मॉडर्न हो रहे हैं। मतलब इवन सम पीपल टेक मॉडर्निज्म, ऑल्दो इट्स अ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इन अ नेगेटिव सेंस, बट मैं कहूंगा कहीं ना कहीं सोसाइटी मोर इवॉल्व कर गई है, मोर एम्पथेटिक हो गया, कि वो देख पा रही है कि एक विलन भी, जैसे वो यिन यांग होता है ना कि अच्छाई के अंदर बुराई है, बुराई के अंदर अच्छाई है, कि एक विलन के अंदर भी कुछ अच्छी शेड्स हो सकती हैं, राइट। और कहीं ना कहीं लोग भी आई थिंक, जैसे मैंने इवॉल्व होने की बात करी सोसाइटी की, कि लोग ये समझ पा रहे हैं कि वो एक कैरेक्टर है, वो वहां तक प्ले करा, हमने वहां तक एंजॉय करा, बस हो गया। मतलब वी हैव सीन इट, इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई देख रहा है यार वाओ, मतलब ये कैसे करा। अगर मान लो, आई एम नॉट सेइंग कि एक आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल इंसान की बात करें, कि वो देखता है कि वाह, मतलब इतना अच्छा इसने से डिस्प्ले करा है, वॉट एवर। जोकर मूवी है, राइट, ही गॉट एन ऑस्कर फॉर दैट। उसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोगों ने उस मूवी को इतना वर्ल्ड वाइड देखा, दे गो ऑल आउट एंड दे स्टार्ट डूइंग क्रेजी थिंग्स, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज करना बहुत नेसेसरी है कि जब आप, और खासकर जब एक बहुत ही, मतलब जो मूवीज प्रॉपर एक विलेन पे फोकस करती है ना, मुझे वो मूवीज ज्यादा बेटर इसलिए लगती हैं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना, समटाइम्स द आंसर्स आर देयर वेयर वी आर नॉट विलिंग टू लुक, मतलब दे आर इन द डार्क। तो कहीं ना कहीं एक विलेन लोगों को ये भी दर्शाता है, ये तो ऑब्वियसली दिखाता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, बट वो लोगों को ये भी इंडिकेटर देता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो, मतलब यू कैन इवन लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम यू। मतलब अगर एक बहुत हाइपर ऑप्टिमिस्टिक इंसान है तो वो एक विलन में से भी कुछ अच्छी चीज निकाल लेगा, है ना। तो वो इट द ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द व्यूअर एंड यू आर द व्यूअर। तो मतलब घिसी पिटी गालियां लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे शोज को इंजॉय करें, अगर इफ यू इंजॉय शोज लाइक दिस। और सो मोर देन एम्पथी वाला पोर्शन मेरे को लगता है कि एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि आपने एक फिल्म देखी, उसके बाद आप उस इंसान की दूसरी फिल्म देखेंगे, तीसरी देखेंगे, तो आपको लगता है यार ये इंसान तो बुरा ही होगा, तभी इसको हर फिल्म में बुरा मतलब मिल रहा है। एक उस समय एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, अब तो इतना हो गया कि आप किसी इंसान को बहुत ईजिली मिल सकते हैं, देख सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम
और थ्रू अदर पोर्टल जहाँ पे आजकल इंटरव्यूज वगैरह बहुत होते हैं, तो आप उस इंसान को सुनते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ एक्टिंग अलग है और वो चीज अलग है। पहले वो चीज नहीं होती थी, पहले लोग रिलेट बहुत ज्यादा कर लेते थे क्योंकि एक ही मीडियम होता था आपके पास, या तो आपके टीवी पे हफ्ते भर में एक फिल्म आती थी या आप थिएटर जाते थे, जो भी होता था। तो उस टाइम पे वो चीज मुझे लगता है कि शायद वो जो एक्सपोजर था वो नहीं मिल पाता था, इस वजह से शायद लोग वो लोग अपने ज्यादा ही दिमाग फेस में चीज वैल्यू पे ले सोचते। लेते चीजें, सोचते हाँ थे ये तो फेस वैल्यू रियली पे है। ले हाँ लेते। हाँ कि अमिताभ बच्चन को ले लिया कि यार हर फिल्म में आदमी अच्छा बनता है, गरीब आदमी बनता है, उसके बाद जाके बदला लेता है अपने माँ बाप का, तो ये इंसान बहुत अच्छा है ना। हाँ मतलब अमिताभ बच्चन इज अ गुड गाय इन रियल लाइफ एज वेल, लेकिन मतलब वैसा परसेप्शन बन जाता है कि हाँ ये इंसान ये किरदार प्ले करता है, तो एंग्री यंग मैन का, यंग मैन का उनको एकदम वो किरदार का वो उनको टाइटल दे दिया और वो कंटिन्यूअसली उस तरीके की फिल्में करते भी रहे। प्रेम चोपड़ा वॉज द मोस्ट हेटेड विलन, और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना सकता हूँ कि लोग उनको सच में ऐसा हेट करते थे कि वो समझते थे कि प्रेम चोपड़ा रियल लाइफ में ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब लोगों को समझ आने लग गई है क्योंकि लोगों के पास वो एक्सेसिबिलिटी आ गई है, वो एक्सपोजर आ गया है, तो लोग समझदार भी हुए उसके साथ, और लोगों को ये भी पता लग गया है कि फिल्में सिर्फ जॉय के लिए बनाई जा रही है ना, उसको ऐसा मत देखिए कि नहीं यार इससे मैं कुछ सीख लूंगा, जरूरी नहीं है आप कुछ सीखें, आपकी इच्छा है और आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव्स निकालने का मेरे हिसाब से फिल्मों में ज्यादा कोई पॉइंट है नहीं, आप उसकी टेक्निकलिटीज पे बात कर सकते हैं, आपको कैसी लगी उस पर बात कर सकते हैं, ज्यादा उसकी आइडियोलॉजी और ज्यादा उसकी समझ के ऊपर ना जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्योंकि मैं हो सकता है कि कुछ और सोच के फिल्म बना रहा हूँ और आप एज अ व्यूअर किसी और चीज को देख के उसको अपने हिसाब से परसीव करें तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फिल्म के लिए भी आपके लिए भी। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने जवान के साथ भी यही चीज करी है, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से लिंक किया, मेरे हिसाब से फिल्म बहुत अच्छी थी, मैंने देखी, मेरे को पसंद आई, मेरे को लगा एक मास परफेक्ट मास एंटरटेनर है, सबको देखनी चाहिए। अब लोगों ने उसको गवर्नमेंट के साथ इसके साथ उसके साथ जोड़ दिया, भैया देखिए बहुत फिल्में ऐसी आती जाती हैं और फिल्मों को फिल्मों की तरह लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने किसी उनके बेटे के लिए वो वाला डायलॉग रखा हो सकता है रखा हो, मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान को वो लिखने की जरूरत है वो डायलॉग की, नहीं मैं ऐसा बोलूंगा। शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला, वो भी उनका स्टेटमेंट है कि मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो जो कर सकता है कर ले, तो वो वैसी वाली बात है। बाकी लोगों की अपनी अपनी समझ है और अपनी अपनी समझदारी है, उस पर तो हम कुछ बात नहीं कर सकते। सीरियल पे थोड़ा वापिस आते हैं तो उसमें एक करेक्टर और था जो उनकी वाइफ का करेक्टर था, और सेकंड पोर्शन में मुझे लगता है कि वो किरदार शायद देखने को नहीं मिलेगा, कुछ नए करेक्टर से उसकी जगह आएंगे क्योंकि उनका उस करेक्टर की तो डेथ हो चुकी थी उसको फाइनल एपिसोड से पहले, तो कुछ नया देखने को मिलेगा उस पर। उत्कर्ष आपको क्या लगता है क्या नया देखने को मिल सकता है? मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि करण वीर बोरा ने मतलब जो भी वो 45 सेकंड का जो भी उनका सीजन 2 का प्रोमो आया उसमें ही इससे इनकी एक और बब्बर शेरी कहानी ऑल्दो वेरी क्लियर, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार मतलब ही बिकेम लाइक कुछ लोग होते हैं ना दे एम्बॉडी द करेक्टर, कि दे गेट इन टू द स्किन ऑफ द करेक्टर सो वेल दैट कि लोग एक्चुअली में मतलब इतना रिलेट कर जाते हैं कि वो मतलब ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि कोई उस करेक्टर को उनसे बेहतर प्ले कर सकता है। जिम सार्व ने एक बात कही थी, इट इज द जॉब ऑफ द राइटर टू मेक अ सीन इंटरेस्टिंग एंड इट इज द जॉब ऑफ एन एक्टर टू मेक द सीन ट्रू, राइट? मतलब राइटर वर्क करता है कि उसको कितना मैं विविड बना सकता हूँ, कितना मैं डिटेल्ड बना सकता हूँ, राइट? और एक एक एक्टर उसको मतलब और एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश करता है कि मैं उसको कितना मतलब मैं बिलीव करा दूं कि एक्चुअली में हो रहा है, ऑल्दो इट्स ऑब्वियसली इट्स ऑन स्क्रीन, इट्स नथिंग इज रियल, राइट? इट्स फॉर प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पज, बट स्टिल तो मतलब मैं वो ही देख रहा होता, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और आई थिंक जो मेकर्स ऑफ द शो है उन्होंने भी बहुत ही अच्छा जॉब कराया मतलब सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, कि वो बिल्कुल सिक्रेटिव रहे हैं, उन्होंने कहीं पे भी इस मतलब कुछ भी क्ल्यू आउट नहीं करा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट आई थिंक अगर करणवीर बोरा पहले के 2-3 एपिसोड्स में नहीं है, या अगर उसकी बहुत छोटी छोटी अपेयरेंस भी एज अ नरेटर थ्रू आउट द सीरीज, तो मुझे लगता है कि लोग शो को देखेंगे। अदरवाइज आई थिंक देर आर वेरी हाई चांसेस कि दिस शो विल गो इन टू लाइक डंक, लाइक कुछ नहीं होना, बिकॉज लोग आ ही उसी वजह से रहे हैं। अगर आप वही हटा लोगे तो फिर क्या होगा? एंड आई थिंक द मेकर्स ऑफ द शो आर प्रीटी अवेयर ऑफ दैट, तभी उन्होंने प्रोमो भी करणवीर बोरा के साथ बनाया। तो मतलब डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम के जो मतलब सी कुछ चीजें सिमिलर रहती है, बट उस टाइम के इवेल्स अलग थे, आज के अलग हैं, राइट? सोसाइटी इवॉल्व करती है तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, है ना? वही सब बातें हैं, बट आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग नंदलेस, तो लेट्स सी।
देखने में तो मुझे भी लगता है कि मजा तो आएगा कि क्या नया दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा बोला कि सिचुएशन चेंज होती है और उसके हिसाब से हम भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे इवॉल्व होते हैं सोसाइटी के साथ साथ, तो कुछ नए लेवल्स देखने को मिलेंगे सोसाइटी के, ऐसी उम्मीद करते हैं। और रिप्लेसमेंट अगर लाने की कोशिश है तो वो तो काफी मुश्किल काम है। इट्स लाइक कि अब तक लोग यही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि डॉन 3 में शाहरुख खान नहीं है, तो अब एक नया किरदार जो इतना कल्ट है वही उसको इतना उसकी जगह रिप्लेसमेंट करना भी मेरे हिसाब से शायद भूल होगी। कुछ एक ऐसा कर सकते हैं कि कुछ एक दोनों को दोस्त दिखा दें, कुछ कर दे और उसके वो दोनों किरदार प्ले कर रहे हैं, तो उसमें मजा आ सकता है कि करणवीर बोहरा साथ में है उस किरदार के, जो धीरज एक एक्टर है उनके साथ हो सकता है, धीरज को विलन बनाते हैं एक, और जो जतिन करेक्टर जतिन नाम के एक्टर है उनको विलन बनाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बट मेरे को लगता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट होना करणवीर बोहरा का बहुत जरूरी है, अगर वैसा नहीं है तो शायद लोग उस तरीके का लिंक नहीं कर पाएंगे चीजों को और मजा भी नहीं आएगा, कनेक्ट फील नहीं होगा, तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। देखेंगे, हमको तो लग रहा है हम एक्साइटेड तो काफी ज्यादा है जब से हमने वो प्रोमो देखा है जो छोटा सा, हमें तो बहुत पसंद आया प्रोमो भी, एकदम बैड एस सर लुक, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो इंसान वापस लौट आया और राइट आपको डरने की जरूरत है, तो वो तो हमें लगा ही है उसमें। तो ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड टुडेज पॉडकास्ट। और अगर आपको ऐसी पेक्यूलियर चीजें, मतलब ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ नीश, सो वी पिक एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। तो अगर आपके मन में ऐसे कोई और कल्ट क्लासिक शोज हैं जो कि अभी उनका आगे उनका रिवाइवल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड ऑन दैट नोट, we'll see you in our another video.